याद रखना। हेलो गाइस, वेलकम टू द जिम डेनिस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डिज्नी की अपकमिंग मूवी द लॉयन किंग के बारे में। लॉयन किंग का भी रिसेंट में टीजर लॉन्च हुआ है जो कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आप सब जानते हो कि इसका जो टीजर है वो काफी कमाल का है। अगर आपने अभी तक ये टीजर नहीं देखा तो मैं आपको अभी यही सलाह देना चाहूंगा कि आप इसका टीजर इंग्लिश में ना देखें, हिंदी में देखें, क्योंकि हिंदी में टीजर काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है और इसे डब करा है कबीर बेदी ने। कबीर बेदी ने काफी अच्छी तरीके से काम करा है इसके टीजर को। और देन अब बात करते हैं इसके रिकॉर्डिंग के बारे में। तो मार्वल और डिज्नी की एक मूवी है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, उसने रिकॉर्ड तोड़ा था 24 घंटे के अंदर 200 मिलियन का, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और मार्वल फैंस का इसमें सबसे बड़ा योगदान था, यानी कि उसमें हम भी इंक्लूडिंग थे जो भी सब इस वीडियो को देख रहे हैं। और देन उसके बाद अगला नेक्स्ट जो रिकॉर्ड होगा वो हो लॉयन किंग का। तो लॉयन किंग ने 24 घंटे में 224 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तो मार्वल स्टूडियो के एवेंजर 4 का टीजर आना बाकी है, तो वो तो उसकी भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो बात बिल्कुल सत्य है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर लॉयन किंग की मूवी काफी अच्छी रही और टीजर तो काफी बढ़िया है। अब उम्मीद करते हैं कि लॉयन किंग जो मूवी आ रही है हमें वो सारे सीन देखने को मिले जिसमें कि टिमोन एंड पुम्बा और सिम्बा सनसेट में जा रहे हैं, और हमें वो वाले सारे सीन मिले कॉमेडी वाले जिसमें कि हमें जो एनिमेटेड देखने को मिला था। और देन आपका क्या कहना मुझे कमेंट में जरूर बताना। और देन अभी फाइनली तो द लिटिल मरमेड का भी तो टीजर आना बाकी है, क्योंकि ये मूवी भी काफी अच्छी थी। तो देखते हैं कि 2019 में जनवरी या फरवरी में हमें इसका भी टीजर देखने को मिल जाए। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। डेली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो उस पर टिमोन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।